हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप अपने YouTube वीडियोस के लिए एक परफेक्ट थंबनेल को क्रिएट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग YouTube वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं और उसे हम एडिट भी करते हैं और अपलोड यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह सब कुछ देते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आती है YouTube थंबनेल के लिए, भाई थंबनेल हम कैसे बनाएं एक परफेक्ट, जो हमारे वीडियो के लिए एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक परफेक्ट थंबनेल बना सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से अपने ही फ़ोन में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी लैपटॉप या फिर पीसी या फिर फोटोशॉप जैसे ऐप का यूज़ नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, एंड उसकी ज़रूरत नहीं है, एकदम भाई अपने फ़ोन से बनाना है। एंड काफ़ी मस्त मैं यहाँ पर थंबनेल बताऊँगा आपको बना करके, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, सिंपल से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि थंबनेल ही हमारा एक अच्छा लुक देता है ताकि भाई वीडियोज़ का CTR बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड हों तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सेल लैब। 99% लोग तो जानते होंगे इस एप्लीकेशन के बारे में, अगर नहीं जानते हो तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, काफ़ी बेस्ट है ये थंबनेल बनाने में और मैं इसी का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आपको जैसे ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर ये कुछ इससे ओपन होता है। तो गाइस, यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पर आपको अपने इमेज के साइज को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पर आपको YouTube थंबनेल ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करके ओके पे क्लिक करना है। भाई ये जो आपका YouTube थंबनेल के जैसा ये जो साइज है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा हो यहाँ पर, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड गाइस, आपको सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा जो आपको भाई आप डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी, जैसे कि मैं 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर यूज़ इमेज फ्रॉम लाइब्रेरी पर क्लिक करूँगा। एंड गाइस, यहाँ पर आपको कोई इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में जो यूज़ करना है आपको यहाँ पर YouTube थंबनेल साइज में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ओके पे क्लिक करना। भाई ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर हो चुका है क्रिएट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करना है। एंड गाइस, आप जिस चीज के रिलेटेड अपना थंबनेल बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं, तो यहाँ पर गाइस इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बनाएं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया इंस्टाग्राम में अकाउंट कैसे बनाएं, उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना फोन को चूज करना है। जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर फोन का ऑप्शन आता है, तो फोन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। फोन चूज करने के बाद यहाँ पर ओके पे टैप कर देना है एंड गाइस ये आपका फोन हो चुका है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर सिंपली नीचे स्क्रॉल करूंगा एंड यहाँ पर एलिजिन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड गाइस इसको यहाँ पर बीच बीच में कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। तो ये हमारा हो चुका है एंड यहाँ पर जो हमें लिखना था वो हमारे लिखने का काम हो चुका है। एंड मैं यहाँ पर स्पेस देना चाहता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको अगर स्पेस की जरूरत है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो फिर मत देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पर शेप पे क्लिक करके एक शेप यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शेप को इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप भी क्रिएट कर लेना कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर कलर को चूज कर लेना, जो कलर आपको पसंद है। लाइक यहाँ पर जो बैकग्राउंड में है ना मेरा ब्लूइश टाइप में, तो उसी तरह से मैं यहाँ पर ब्लूइश थोड़ा रखूंगा। बट गाइस यहाँ पर उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा एंड गाइस ग्रेडियंट में काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ग्रेडियंट में मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसे यूज करूंगा, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना, ये आपका शेप हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको 2 बैक पे क्लिक कर देना है एंड ये आपका बैक में चला जा चुका है, ठीक है। एंड गाइस सबसे नीचे जाना है एंड गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन दिखना होगा पर्सपेक्टिव का, उस पर टैप करना एंड इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद गाइस आप इसके ऊपर के साइड्स को एंड नीचे के साइड्स को, ठीक है, तो इस तरह से आपको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर रोटेशन में जाना है, यहाँ पर माइनस में जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने -2 पे रखा है एंड यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना। उसी तरह से गाइस यहाँ पर अपने फॉन्ट को भी सिलेक्ट करना है, उसके बाद सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर पर्सपेक्टिव में जाना है, इसको भी इनेबल करना है एंड उसी तरह से आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर देना है एंड गाइस इसके भी रोटेशन को थोड़ा यहाँ पर माइनस में लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली डन कर देना है एंड गाइस यहाँ पर एक PNG को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक PNG को ले लिया एंड गाइस इसको भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी। तो सिंपली इसको यहाँ पर आपको साइज को परफेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फिट कर लेना है। फिट करने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड गाइस यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन में जाकर के इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर इसके कलर को यहाँ पर आप ले सकते हो, तो यहाँ पर मैं ग्रेडेड पर जाऊंगा एंड गाइस यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको कलर को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर कलर को ब्लू रखा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो हिसाब का आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से यहाँ पर कलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। डन हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको शैडो पे जाना है, शैडो को इनेबल कर देना है एंड गाइस शैडो को इनेबल करने के बाद इसका जो ब्लर रेडियस है वो फुल कर देना है। एंड गाइस यहाँ पर ऑफसेट्स एक्स जो दिख रहा है उसको यहाँ पर माइनस में लेके जाना है, -7 या फिर 5 में आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका डन हो चुका है, ठीक है। जैसे आप शैडो हो जाएगा तो इनर शैडो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इनेबल कर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट रख सकते हो या फिर कोई अदर कलर भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं ब्लर रेडियस को पूरी तरीके से माइनस करूंगा एंड यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ऑफसेट एक्स
6, मैं इसको प्लस में रखूंगा, ठीक है। तो प्लस में रखने के बाद यहाँ पर 4 प्लस पे रखना है, उसके बाद यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना, इसको व्हाइट रखना है, ठीक है, इनर शैडो को व्हाइट रखना है और जो शैडो है वो आपको ब्लैक रखना है, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप अपना एक फेस का PNG ले सकते हो, जो अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है तो सिंपली मैंने यहाँ पर ले लिया, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करता हूँ, एंड गाइस यहाँ पर आपको फिट करना है अपना फेस PNG को। फिट करने के बाद गाइस यहाँ पर स्टॉक्स भी दे सकते हो, अगर आपको स्टॉक्स पसंद है तो यहाँ पर स्टॉक्स दे सकते हो, उसके बाद यहाँ पर प्लस में यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर शैडो भी अगर देना पसंद है आपको तो यहाँ पर आप अपने फेस PNG में शैडो भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना शैडो भी इनेबल कर दिया, उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। तो दे सकते हो, काफी अट्रैक्टिव लुक आ रहा है हमारे थंबनेल में। तो ये भी अभी आधा काम हुआ है एंड यहाँ पर आधा काम बाकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस फोन को ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जाना है एंड गाइस यहाँ पर पोजीशन पे क्लिक करना है, एंड गाइस मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को ऊपर कर दिया, फोन को भी एंड यहाँ पर शेप को भी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का एक PNG लेना है एंड यहाँ पर छोटा कर देना है अपने साइज के हिसाब से, एंड गाइस यहाँ पर आपको इसको फिट कर देना, ठीक है। तो फिट करने के बाद गाइस यहाँ पर आप शैडो वगैरह भी दे सकते हो अपने यहाँ पर इस PNG में। तो मैं यहाँ पर शैडो पे क्लिक करूंगा, इनेबल करूंगा, एंड गाइस यहाँ पर मैं प्लस पे आइकन पे क्लिक करके इसको मैं पर्पल कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ब्लर रेडियस को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया एंड यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दिया। तो हमारा जो ये जो PNG है वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको जो लिखना है वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बस 2 मिनट में, एंड यहाँ पर डन पे क्लिक करना है, एंड इसको आप कैपिटल भी कर सकते हो एंड यहाँ पर स्मॉल भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर आप इसको फोन को चूज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर आपने फोन को यूज किया उसी हिसाब से इसमें भी आप अपने हिसाब से फोन को यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड गाइस यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, स्टाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आई वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपका जो है वो आपका थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, यानी कि तिरछा हो गया है। आप नीचे में लाइन दे सकते हो अपने वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एलिगेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर बीच वाले को ऑप्शन पे क्लिक करके ये आपको कर देना। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो एंड यहाँ पर आप नीचे में दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है, बस 2 मिनट में। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। एंड यहाँ पर आप अपना थंबनेल में क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जिसके हिसाब से आप अपना थंबनेल बनाना चाहते हो उस हिसाब से लिखना चाहते हो यहाँ पर क्या क्या लिखना है वो आपके माइंड में सोचना होगा, कीवर्ड्स आपको सोचना होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर लिख करके यहाँ पर ऐड करते जाना है आपको। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर ऐड करना है PNG को, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको आप जिस साइड में रखना चाहते हो उस साइड आपको फिट कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में रख दिया हूँ एंड इंस्टाग्राम का जो लोगो है यहाँ पर मैंने बीच में कर दिया। तो इस तरह से ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक फोन का PNG भी ऐड करना पड़ेगा आपको, इस टाइप का एक फोन का PNG लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है एंड गाइस इसको भी उसी तरह से यहाँ पर फिट कर देना है आपको, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको देख करके फिट कर देना है। फिट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर इस पर टैप करना है। उसके बाद उन दोनों को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर मर्ज कर देना है, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे आप मर्ज करते हो तो ये आपका मर्ज हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है, शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर शैडो को इनेबल कर देना है, ठीक है। तो आपका शैडो ब्लैक रहेगा। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर स्टॉक्स को इनेबल कर देना है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, यानी 3 यहाँ रखना है स्टॉक्स को, यहाँ पर डन पे क्लिक देना है। तो उसके बाद देख सकते हो आपके फोन का जो स्टॉक्स है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है एंड गाइस ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप एक एरो भी यहाँ पर देख सकते हो, एरो का PNG लेने के बाद इसको यहाँ पर फिट कर देना है, ठीक है। उसी तरह से आपको फिट करना है एंड गाइस यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर स्टॉक्स को इनेबल कर देना है एंड यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा 3 हो चुका है एंड यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना। तो ये आपका हो चुका है एंड काफी कमाल का मुझे लग रहा है ये जो थंबनेल है आपका रेडी हो चुका है। तो इसमें अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मुझे कोई भी कमी नहीं लग रही है क्योंकि ये थंबनेल मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है। एंड अगर आपको कुछ कमी लग रहा है तो आप यहाँ पर पूरा कर सकते हो अपने थंबनेल में, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपने फोन में एक अट्रैक्टिव थंबनेल लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने जल्दबाजी में बताया है, तो गाइज आप यहाँ पर इजी वे में इत्मीनान से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आप टाइम देते हो वीडियोज बनाने में एडिट करने में तो सबसे ज्यादा टाइम दो यहाँ पर थंबनेल में। यहाँ तो जितना टाइम दोगे थंबनेल में तो यहाँ पर अच्छा थंबनेल बन पाएगा आपसे, और यहाँ पर थंबनेल अच्छा बनेगा तो ही आपके वीडियोस में CTR बढ़ेगा। एंड अपने थंबनेल को सेव करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट दिया हुआ उसको यहाँ पर टैप करके यहाँ पर आपको अल्ट्रा पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर सेव टू गैलरी का ऑप्शन दिया हुआ तो सेव कर देना है अपनी गैलरी में। तो ये हमारा इमेज गैलरी में सेव हो चुका है, ठीक है। तो काफी अच्छे से यहाँ पर क्रिएट करना। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो हेल्पफुल हुई होगी आप लोगों के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।